नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर गुरुदेव के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है सदैव पाटीदार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम वही अपने जनरल एग्रीकल्चर को डिस्कस करेंगे। जनरल एग्रीकल्चर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने एग्रोनॉमी वाले पोर्शन के पिछले दो वीडियोस में कवर कर लिए थे। वैसे ही आगे आने वाले दो वीडियोज़ में हम एग्रोमेट्रोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो एग्रोमेट्रोलॉजी का ये पार्ट फर्स्ट है। एग्रोमेट्रोलॉजी में हम 40 से 50 वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अधिकतर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, द स्टडी ऑफ एनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द प्लेनेट एंड ऑफ द फिनोमिनन एसोसिएटेड विद द एटमोसफियर इज नोन एज मेट्रोलॉजी। तो ये सीधी सीधी मेट्रोलॉजी की डेफिनेशन है कि जो अर्थ के आसपास गैसेस एनवेलप होता है उस गैसेस एनवेलप को हम क्या कहते हैं, उस गैसेस एनवेलप को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और एटमॉस्फेयर की स्टडी को ही क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अ वेदर कंडीशन ओवर अ गिवन रीजन ड्यूरिंग ए लॉन्गेस्ट पीरियड उसको कहते हैं क्लाइमेट। तो जब भी कोई वेदर कंडीशन की बात करता है, ज़्यादा लंबे समय तक कोई भी वेदर कंडीशन की स्टडी करता है तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, और अगर शॉर्ट पीरियड के लिए कोई वेदर कंडीशन की बात करता है गिवन प्लेस पे गिवन टाइम पे तो उसको हम वेदर कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, मॉनसून इज एन अरेबिक वर्ड। तो मॉनसून जो है एक अरेबिक वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गैसियस एनवेलप सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। तो हमने अभी डिस्कस किया था मेट्रोलॉजी की डेफिनेशन में कि जो गैसियस एनवेलप है जो अर्थ को सराउंड करके रखता है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और उस एटमॉस्फेयर की स्टडी को हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। तो जो अर्थ पे एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स क्या है, सन है। नेक्स्ट दिया हुआ है, द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1.5 × 108 किलोमीटर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे सन और अर्थ के बीच की मीन डिस्टेंस पता चल जाएगी। नेक्स्ट दिया गया है, द टेम्परेचर ऑन द सन इज अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस। तो जो सन का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट दिया गया है, हु डिस्कवर्ड द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को किसने डिस्कवर किया था, तो सोलर एनर्जी को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनका नाम है अगस्त मोचौट। नेक्स्ट दिया गया है, द रेडिएशन इन द सनलाइट दैट गिव्स अस द फीलिंग ऑफ हॉटनेस इज इंफ्रा रेड। तो हमने देखा कि एक तो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, जो सनलाइट से जो हम देख सकते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम है, बट उसमें बहुत सारी दूसरी लाइट्स भी आती हैं जैसे इंफ्रा रेड हो गया, अल्ट्रा वायलेट हो गया, इनको हमारी आईज कैप्चर नहीं कर पाती है। तो जो हमको गर्मी का एहसास दिलाती है वो कौन सी लाइट है, इंफ्रा रेड। नेक्स्ट दिया हुआ है, द रेडिएशन इमिटेड बाय द सन एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ स्किन कैंसर। अब ये रेडिएशन जो कि ऐसे रेडिएशन जो सन से इमिट होते हैं और स्किन कैंसर का कारण बन सकते हैं उनको हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं, और ये ऊपर वाले जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में कैप्चर हो जाते हैं ओजोन के द्वारा। नेक्स्ट दिया हुआ है, इन द एटमोसफियर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस अकाउंट फॉर अबाउट 99% बाय वॉल्यूम। तो वो तीन गैसेस हैं जो 99% कंट्रीब्यूशन करती हैं वॉल्यूम के बेसिस पे हमारे एटमॉस्फेयर में। तो कौन कौन सी गैसेस है, वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन कितना होता है, 78.08%, ऑक्सीजन होता है 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। नेक्स्ट देखो वही कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज दिया गया है कि परसेंटेज ऑफ CO2 इन एयर एंड सोइल इज। तो पहले उसने एयर में पूछा, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में पूछा, तो एटमॉस्फेयर में कितना है, 0.03%, और सोइल में, सोइल साइंस में देखा था तो सोइल में कितना है, 0.25%। और ये जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है और सोइल में कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों का डिफरेंस होता है 8 गुना, मतलब सोइल में 8 से 10 गुना CO2 ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट दिया है, एन एवरेज परसेंट ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग द अर्थ इज 50%। अब अर्थ से तो पूरा 100% सोलर रेडिएशन निकलता है, अब उसमें उस 100% का कितना पहुंचता है, तो 100% का केवल 50% ही अर्थ पे पहुंच पाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट दिया गया है, हु इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द क्लाइमेट। तो क्लाइमेट का सबसे पहली बार क्लासिफिकेशन डी कैंडोल ने दिया, वो दिया 1900 में। नेक्स्ट, कोप्पेन एंड थोरेंटवाइट क्लासीफाई द क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ। तो दो साइंटिस्ट हैं कोप्पेन और थोरेंटवाइट, इन्होंने क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन एनुअल रेनफॉल और एनुअल इवेपोरेशन के बेसिस पे दिया। नेक्स्ट जो ट्रोल हैं उन्होंने क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन ह्यूमिड मंथ और टेम्परेचर के बेसिस पे दिया। तो देखते हैं, ट्रोल क्लासीफाइड द क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमिड मंथ एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट एबल टू रिकॉर्ड ऑलमोस्ट ऑल मेट्रोलॉजिकल डाटा बाय डिजायर्ड इंटरवल एट एनी टाइम एंड एनी प्लेस।
उसको कहते हैं ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। एक होती है मैनुअल वेदर स्टेशन, एक होती है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। मैनुअल वेदर स्टेशन में हमको सारे डेटा खुद जाके वहाँ पर रिकॉर्ड करने होते हैं, जबकि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन खुद ही अपने से ही डेटा रिकॉर्ड करके हमें देता है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ सोलर कॉन्स्टेंट इज, जो सोलर कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है? सोलर कॉन्स्टेंट की वैल्यू है 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब सोलर कॉन्स्टेंट क्या होता है ये हम किसी दूसरे लेक्चर में देखेंगे। आगे चलते हैं। अ सर्टेन पार्ट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस बाय द अर्थ नोन एज अल्बेडो। उसको क्या कहते हैं? अल्बेडो। तो अल्बेडो की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि सन से जितनी भी एनर्जी आती है वो सारी एनर्जी तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ एनर्जी का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, उसको हम अल्बेडो कहते हैं। और ये हर चीज़ का, हर सरफेस का अलग अलग होता है। क्रॉप का अलग होता है, स्नोफॉल का अलग होता है, सब चीज़ का अलग अलग होता है। आगे चलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो हम एटमोसफियर का जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, ये उनके वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। आगे दिया है, ऑल वेदर फिनोमिना रेन, फॉग, फ्रॉस्ट, क्लाउड अकर इन द जोन ऑफ। तो ये रेन, फॉग, फ्रॉस्ट, क्लाउड ये सारे ट्रोपोस्फियर में होते हैं। आगे, क्लोजेस्ट एंड डेंसेस्ट लेयर ऑफ एटमोसफियर, तो सबसे पास, अर्थ के सबसे पास और सबसे डेंस लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फियर, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है? 8 से 18 किलोमीटर। आगे दिया गया है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, तो जो ओजोन लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फियर में होती है। स्ट्रेटोस्फियर कितनी डिस्टेंस पे होता है? 20 से 48 किलोमीटर तक, ठीक है। और ओजोन लेयर में क्या रोकता है? जो अल्ट्रावायलेट, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है जो हमें स्किन कैंसर कर सकती है, उनको ओजोन लेयर कैप्चर कर लेता है और ये स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। आगे दिया है, द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ एटमोसफियर, तो जो एटमोसफियर का कोल्डेस्ट रीजन, सबसे ठंडा रीजन कौन सा है, उसको कहते हैं मीजोस्फियर। नेक्स्ट दिया हुआ है, रेडियो ट्रांसमिशन फाउंड इन आइनोस्फियर जोन, तो जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है, जितने हमारे रेडियो के सिग्नल्स पास होते हैं वो आइनोस्फियर जोन से निकलते हैं, ठीक है, इसी के कारण पास होते हैं। अगर वो जोन नहीं रह गया तो हमारे सारे रेडियो के सिग्नल्स इधर से उधर पास नहीं होंगे। और ये जो आइनोस्फियर होता है ये थर्मोस्फियर की सबसे नीचे वाली लेयर, या कहें कि मीजोस्फियर के जस्ट ऊपर ही होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, गैसलेस जोन इज थर्मोस्फियर, इसमें कोई गैसेज ज़्यादा होती नहीं है। और ये कितनी हाइट पर पाया जाता है? 80 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेड कलर ऑफ सनसेट इज ड्यू टू, तो जो आसमान है उसका नीला रंग और जब सनसेट होता है तो सन का रेड कलर क्यों दिखता है? डिस्पर्जन की वजह से। नेक्स्ट दिया हुआ है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल सोलर रेडिएशन, तो जो हमने देखा था अभी कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है या फिर विजिबल सोलर रेडिएशन होता है, उस विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ क्या है? तो 0.39 to 0.7 नैनोमीटर या फिर 390 to 700 माइक्रोमीटर। वेवलेंथ लॉन्गर देन 750 माइक्रोमीटर इज नॉट विजिबल टू आई एंड आर कॉल्ड इंफ्रारेड। तो जो हमने देखा था कि जो हमको गर्मी का जो हॉटनेस देता है वो कौन है? इंफ्रारेड है। उसकी वेवलेंथ कितनी है? 750 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ द कार्बन ऑफ एयर एट एनी गिवन प्लेस एंड टाइम इज एटमोस्फियरिक प्रेशर, तो जो कार्बन का जो वेट है, किसी भी एयर में कार्बन का जो वेट होता है गिवन टाइम पे, गिवन प्लेस पे, उसको हम एटमोस्फियरिक प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट है, द मीन सी लेवल प्रेशर इज, आपने बहुत जगह देखा होगा रेलवे स्टेशन पे बोर्ड लगा होता है कि मीन सी लेवल से इतनी डिस्टेंस ऊपर है, ये जगह मीन सी लेवल से इतनी डिस्टेंस ऊपर है। तो जो मीन सी लेवल होता है वहाँ पे प्रेशर कितना होता है? तो जो मीन सी लेवल पे प्रेशर होता है 1300.25 मिलीबार्स, मतलब 1013.25 मिलीबार्स का प्रेशर होता है मीन सी लेवल पे। नेक्स्ट, व्हाट इज विंड, तो विंड क्या है? विंड की डेफिनेशन पूछी, एयर ब्लोइंग एट ए पॉइंट। अब जो एयर ब्लोइंग एट ए पॉइंट है ये एयर फ्लो क्यों होती है? ये एयर ब्लो क्यों होती है? क्यों? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस की वजह से, कम प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ एयर ब्लो करती है। नेक्स्ट ये, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर्स सरफेस विंड्स आर नोन एज, तो जो इक्वेटर के नॉर्थ पे जो विंड्स चलती हैं उनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं। नेक्स्ट, जो विंड डायरेक्शन इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो अब विंड्स जो चलती हैं, विंड्स चलती है लो प्रेशर एरिया की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ विंड्स चलती हैं, और इन विंड्स को नापने वाला यंत्र कौन सा है? विंड वैन। नेक्स्ट है, विंड टर्बाइन यूजेस,
काइनेटिक एनर्जी। तो आपने देखा होगा कि जो विंड से जो लाइट प्रोडक्शन होता है तो वो टर्बाइंस होते हैं बड़े बड़े, अब वो टर्बाइंस विंड्स विंड की वजह से घूमेंगे, हवा की वजह से घूमेंगे, और हवा में कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है हीट फ्लो इन सॉलिड और सॉइल टेक प्लेस मेनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ, तो हीट फ्लो की बहुत सारी प्रोसेस होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो अगर सॉलिड में बात करें तो कंडक्शन, वैसे ही आगे दिया गया है हीट फ्लो इन लिक्विड और वाटर बाय प्रोसेस ऑफ, तो अगर वाटर या बात करेगा लिक्विड में तो कैसे? कन्वेक्शन से फ्लो होती है। आगे अगर बात करता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे हीट फ्लो हो रही है, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हीट फ्लो होती है वो रेडिएशन से होती है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, तो वही दिया है हीट फ्लो इन एयर बाय प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट देखा होगा कि एक ई ऑपरेशन होता है, एक ट्रांसपिरेशन होता है, तो ई ऑपरेशन होता है वो हमारी नॉन लिविंग सर्फेसिस से होता है। अब कितना ई ऑपरेशन हो रहा है ये हमको मेजर करना है, तो हम किससे मेजर करेंगे? ईओपरीमीटर से, तो वही दिया है ई ऑपरेशन इज मेजर्ड बाय ईओपरीमीटर। नेक्स्ट विंड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, तो जो विंड प्रेशर को किसको, विंड प्रेशर को किससे मेजर करते हैं? उसको मेजर करते हैं ब्यूफोर्ट स्केल से। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इसके एग्रोमेट्रोलॉजी वाले सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।